दोस्तों आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि कैसे जाने कि गर्भ में लड़की है या लड़का। दोस्तों हर गर्भवती महिला चाहती है कि उनके जो गर्भ में है उनको पता चले कि लड़का है कि लड़की। दोस्तों वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान हमें काफ़ी सारी उल्टियां होती है, जिससे कि ये लोग बोलते हैं कि उल्टी होने पर लड़का होगा या लड़की होगी। तो ये कैसे जानेंगे? जैसे ही हम प्रेग्नेंट होते हैं हमारे प्रेगनेंसी में ये काफ़ी सारे बातें घूमते रहती है कि हमारे पेट में लड़का होगा कि लड़की। दोस्तों तो आपको बता दें कि प्रेगनेंसी में उल्टियाँ का होना किसी किसी महिलाओं को पूरे 9 महीने तक होता है, किसी किसी महिलाओं को 1 महीने में नहीं होता है। इससे आपके उल्टी का होना और ना होना इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरी एक दीदी है जो कि मेरे ही सामने अपने डिलीवरी को 9 महीने कंप्लीट करी है, उनका मैं बता रही हूँ। पहले और सेकेंड मंथ में ही उल्टी हुई थी, बाकी उनको काफ़ी समय तक उल्टियाँ नहीं हुई थी। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका होने वाला बच्चा लड़का होगा। तो उल्टी के होने से आपके गर्भ में लड़का है या लड़की इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी महिलाओं को पूरे 9 महीने तक उल्टियाँ होती है, किसी किसी महिलाओं को उल्टियाँ ही नहीं होती है और किसी किसी का स्टार्टिंग में होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके गर्भ में लड़की है या लड़का, क्योंकि हर किसी की प्रेगनेंसी अलग होती है, हर किसी का प्रेगनेंसी अलग अलग होता है, उनका शरीर अलग अलग होता है, जिनके कारण उनको उल्टियाँ होती है और उनके खान पीन की वजह से भी उनको उल्टियाँ हो सकती है। तो आपके मन में जो ये नेगेटिविटी आ रही है उसे दूर कर दीजिए, सिर्फ अपने प्रेगनेंसी पर ध्यान दीजिए और अपने होने वाले बच्चे पर ध्यान दीजिए, ताकि आपका होने वाला बच्चा स्वस्थ हो और आप भी स्वस्थ हो और आपकी होने वाली डिलीवरी नॉर्मल हो सके। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।